संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरु श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/tatvat पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्चन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें, अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें, मेरा शरीर स्थिर है, मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं, मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन मेरे अंदर की बुराइयाँ कोई नहीं देखता, मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है, बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ सोचें, मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें
कि मैं उसका नुकसान करके अपना फायदा नहीं करूंगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूंगा, अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूंगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विद ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें, अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें, ओ संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ, मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में
सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति ही, परम शांति ही, परम शांति ही। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। सरला जैन, पटना बिहार। नमोस्तु गुरुदेव, अनुव्रति को फूल पौधों में पानी पानी डालना चाहिए या नहीं? अरे भाई, ऐसे अनुव्रति बन जाओगे तो फिर तो कहोगे कि अपने पति को भोजन भी कराना चाहिए कि नहीं है? ऐसा अनुव्रत पालोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अनुव्रति अगर अपने पति को भोजन कराने के लिए भी सब्जियां सोधेगा, पानी भरेगा और सब तरह से उसके लिए भी हिंसा अगर होती है, तो वृक्षों को भी, पेड़ पौधों को पानी देने वाले व्रती को क्या जाएगा? तो ये अपने विवेक से सोचना है कि जब हम बड़े बड़े पोषण करते हैं बड़े बड़े जीवों के, तो छोटे छोटे जीवों के पोषण में कोई भी हानि अनुव्रती के लिए नहीं होती है। आयुष जैन, सूरजमल, बिहार से। निसर्ग से छाइक सम्यक दर्शन कैसे होता है, समझाने की कृपा करें। आपने समझाया है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हुआ मनुष्य जब दूसरे या तीसरे नरक में, नरक से वापिस मनुष्य गति में उत्पन्न होता है, तब उसे निसर्ग से छाइक समय दर्शन होता है। लेकिन यह नियम है कि पहले नरक से निकल के ही जीव तीर्थंकर हो सकता है, तो फिर दूसरे और तीसरे नरक से निकल के कैसे तीर्थंकर होगा? अगर ऐसा नहीं है तो किस नरक से निकल के जीव तीर्थंकर हो सकता है? जीव तीर्थंकर प्रकृति वाले जो होते हैं वह तीसरे नरक तक भी होते हैं, और वहां से जो जीव निकलते हैं उन जीवों के लिए क्षयोपशम सम्यक दर्शन यदि होता है, तो उन्हें अपने मनुष्य भाव में छायक सम्यक दर्शन बनाने के लिए किन्नी केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किए हुए जीव हैं। तो उनको वह अपने आप वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उस अपेक्षा से उनका वह छायक सम्यक दर्शन निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाएगा। तो इसी को निसर्ग कहते हैं कि वह किसी केवली श्रुत केवली के पाद मूल में नहीं जाएंगे,
लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनके लिए है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, अब उन्हें क्षय करना है क्योंकि उसी भाव में उन्हें मोक्ष भी जाना है। तो वह बिना केवली श्रुत केवली के पाद मूल के ही वह क्षायक सम्यक दर्शन होगा, इसी को हम निसर्ग कहेंगे। ये यहाँ पर विवक्षा है, इसी को समझना है। वीना जैन जयपुर से, एक इंद्री जीव में भी ज्ञान होता है परंतु बिना मन के ज्ञान नहीं होता। आप अगर पिछले प्रश्नों के उत्तर भी सुनते रहते होंगे तो बहुत कुछ समाधान तो आपको मिल ही जाते होंगे। यदि ऐसा है कि आप केवल अपने ही प्रश्न पूछते हैं और दूसरों के उत्तर नहीं सुनते हैं तो फिर इस तरह की शंकाएं बार बार आती रहेंगी। एक इंद्रिय जीवों को भी ज्ञान होता है, मन नहीं होता है, इसके विषय में पहले भी काफी कहा है कि उनके लिए जो मन से होने वाला ज्ञान है वो ज्ञान नहीं होता, बाकी उनके अपनी आत्मा में जो भी अपने कर्म का क्षयोपशम है उस कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ ज्ञान उनकी आत्मा में रहता है और उसी ज्ञान की अपेक्षा से उन्हें भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का धारी कहा जाता है। किंतु मन एक अलग चीज है जो पंचेंद्रीय पर्याय के साथ ही संभव है, उस मन के साथ में उनके ज्ञान की परिणति नहीं होती, फिर भी वो अपने क्षयोपशम ज्ञान से जीव जीते हैं ऐसा समझना चाहिए। चेलना जैन हजारीबाग से, नमोस्तु गुरुदेव, मना परे ज्ञान की परिभाषा क्या है? ये समय परिभाषाएं पूछने का नहीं होता, आपको उस परिभाषा जो समझाई गई है, जो क्लास के टाइम पर जो चीजें समझाई जाती हैं, उनमें कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करना चाहिए, है ना। अब आप यहाँ क्लास तो नहीं ले रहे हैं, ये तो शंका समाधान का समय है, तो फिर भी आप कभी भी इस तरह के प्रश्नों में जो प्रश्न समझाए गए हैं उनमें ही जो शंकाएं उत्पन्न हो उसी को पूछने की कोशिश करें, फिर भी समझ सकते हैं पूछा ही है तो, कि मन परे ज्ञान का मतलब जो दूसरे के मन में तिष्ठते हुए पदार्थ को अपने मन के माध्यम से और अपनी आत्मा के मन परे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसे मन परे ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान में वह अपने मन का सहयोग लेता है दूसरे के मन तक पहुंचने के लिए और फिर उसके बाद में वह अपनी आत्मा का जो क्षयोपशम है उस ज्ञान से वह डायरेक्ट उस पदार्थ को जानने लग जाता है जो दूसरे के मन में स्थित है, उसका नाम मन परे ज्ञान कहलाता है। अनीता पहाड़े औरंगाबाद से, संताप एवं क्रंदन में क्या अंतर है? हाँ, ये भी बताया ही था, संताप और क्रंदन। संताप में ताप होता है, ताप का मतलब एक तरह की पीड़ा हो जाना। क्रंदन में थोड़ा सा पीड़ा इतनी बढ़ जाना कि कराहने लग जाना, जैसे कहीं दर्द हो गया तो दर्द एक तो हम सहन कर लेते हैं तो वो हमारे लिए दर्द हो रहा है, फिर भी हम कह नहीं रहे हैं, कराह नहीं रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये संताप कहलाएगा। और फिर एकदम से ओ दैया मर गए है ना, बचाओ बचाओ, अब तो नहीं सहर जा रहा, थोड़ा सा कुछ हो गया तो पूरे घर को हिला डाला, रात भर किसी को सोने ही नहीं दिया, चिल्ला चिल्ला के, तो ये क्या कहलाता है? ये सब आक्रंदन में आ जाता है ना। तो यही दोनों में अंतर होता है। सरोज बाकलीवाल ब्यावर से, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मेरी शंका यह है मुनिश्री, इशु गति में जीव के कर्मण का योग नहीं होता है, शरीर योग नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, कर्मण का योग और नौ कर्म वर्गणाओं में क्या अंतर है? क्या कहना चाह रहे हैं? कर्मण का योग नहीं होता क्योंकि कर्मण का योग विग्रह गति में होगा, तो जब उसे मोड़ा लेना ही नहीं है तो कर्मण का योग होगा ही नहीं, तो उसके लिए उस समय पर इशु गति होगी, बिना मोड़े की गति होगी, वो आहारक है, आहारक ही बना रहेगा। यानी जिस समय पर उसने अपने पूर्व शरीर को छोड़ा और अगले समय में जो उसने पूर्व शरीर को ग्रहण किया उसके बीच में कोई अंतर नहीं होने के कारण से वह यहाँ पर भी पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा था और वहां पर भी वह शरीर योग पुद्गल वर्गणाओं को पहले समय से ही ग्रहण करने लग गया क्योंकि अगले समय में ही उसका जन्म हो गया, तो वह जन्म लेने में उसे सीधा इशु गति से जाना हुआ, तो अगले समय में ही फिर से वह शरीर वर्गणाओं को ग्रहण करने लगा,
इसी को नौकर्म वर्गणा कहते हैं। इसलिए उसके लिए कार्मण काय योग की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि विग्रह गति के लिए कम से कम एक मोड़े का उसके लिए समय मिलना चाहिए। तब एक समय का अंतर पड़े तो वह विग्रह गति बने, तब कार्मण काय योग बने। ऐसा उसके साथ नहीं हुआ, इसलिए वो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, रहता है। सुनीता जैन सारंगपुर, नमोस्तु महाराज, कृपया यह बताने का कष्ट करें, परिणामी भाव का क्या अर्थ है? परिणामी भाव, परिणामी भाव, पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव का अर्थ होता तो इसका मतलब होगा कि जो भाव हमारे कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम के बिना होता है वह पारिणामिक भाव कहलाता है, है ना? वैसे यही पूछा होगा, परिणामी लिखा हुआ है। तो परिणामी का मतलब तो जो हम परिणमन कर गए उस परिणमन करने का जो भाव है उसका नाम परिणामी भाव होता है, है ना? यानी परिणामी वस्तुतः भावना होकर के यह वह कर्ता हो जाएगा, परिणामी माने परिणमन करने वाला, तो उसका जो भाव होगा वह उसका अपना भाव कहलाएगा। कृपया प्रश्नों को भी स्पष्ट रूप से लिखा करें, पूछा करें, है ना? डॉक्टर उषा रानी जैन दिल्ली से, गुरुदेव नमोस्तु, मेरी शंका है जब विकलत्र जीव के मन नहीं होता तो वो बिना मन के आपस में बात कैसे करते होंगे? अच्छा, आपको देखा है बात करते हैं उनको? किसको बात करते देखा आपने? चींटियों को कि मच्छरों को कि उड़ने वाले पतंगों को, हैं? तो ये आपस में बात तो नहीं करते, लेकिन चूंकि ये एक जैसे शरीर वाले होते हैं तो एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना? एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चींटियां एक साथ चल जाती हैं, है ना? बहुत सारे जो है किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, एक साथ जहां से वो निकले हैं तो वो जहां तक चलेंगे एक आगे वाला चलता जाएगा, पीछे चलते जाएंगे। तो ये उनका आपस में एक जो एक कहना चाहिए संबंध होता है, यह उनके मन के बिना भी संभव है। और इसके लिए जो उन्हें अपनी नेत्र इंद्रिय से दिखाई दे रहा है, जिनके लिए नेत्र इंद्रिय है, है ना, जिनके लिए घ्राण इंद्रिय है तो वो घ्राण इंद्रिय से सूंघ के ही काम चला लेते हैं। तो इस तरह से वो एक साथ कई जीव मिलकर के भी कोई कार्य कर जाते हैं, है ना? जैसे कभी कभी ऐसा भी देखने में आ जाता है कि कई चींटियां मिलकर के, है ना, कोई मरा हुआ छोटा सा कीड़ा पड़ा हुआ हो या कोई जिंदा भी हो तो उसको भी तड़पा देती है। ये जो लट वगैरह रहती है ना उसमें चींटियां लग जाएं तो लट तड़प जाती है, तो वो सब एक साथ उसको मिलकर के काटने लग जाती है। तो ये सब वो एक साथ करती नहीं है सोच समझ करके, लेकिन वो उनका एक साथ उपस्थित होने से, सबका एक ही काम होने से वो सब खो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो मन से आपस में बातचीत करके सलाह बना करके कोई आतंक करने के लिए, जैसे अटैक करने के लिए निकली हों, ऐसा नहीं है। उनका सबका अपना अपना काम रहता है, मन के बिना भी श्रुत ज्ञान से भी उनका अपना मौन पूर्वक काम चलता रहता है। बीना जैन यूपी, महाराज श्री, प्रत्याख्यान कसाय कौन से गुण स्थान से शुरू होती है और कौन से गुण स्थान तक रहती है, बताने का कष्ट करें। कष्ट करें, प्रत्याख्यान कसाय, देखो हम कभी भी प्रश्न पूछते हैं तो किस अपेक्षा से, अब कसाय उदय के रूप में भी होती है, बंध के रूप में भी होती है, है ना? आपने तो पूछ लिया, अब कष्ट तो हमें होगा कि अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो कभी कभी प्रश्न जो है ना थोड़ा सा आपके मनोभावों को समझ करके ही उत्तर देना पड़ता है। तो कसाय के उदय का मतलब आपको ये समझना चाहिए, या कौन से गुणस्थान से होती, इसका मतलब यह है कि जैसे अनंतानुबंधी कसाय है तो वो पहले दूसरे गुणस्थान तक रहती है, मुख्य रूप से उसका जो उदय रहता है उदय की अपेक्षा से, है ना? फिर वो जो अप्रत्याख्यान कसाय है वो तीसरे चौथे गुणस्थान तक उसका उदय रहता है, पंचम गुणस्थान में प्रत्याख्यान कसाय का उदय होता है, और फिर उसके बाद में छठे गुणस्थान से संजुलन कसाय का उदय हो जाता है। तो इस गणित के अनुसार अब आप समझ लें कि कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक हुई, बताओ आप ही। प्रत्याख्यान कसाय का उदय कहाँ तक हुआ, है ना? जो आपकी भाषा में आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर मात्र पांचवें गुणस्थान में ही उसका
उदय रहता है, उसके बाद संजरण कषाय का उदय आ जाता है। लेकिन अगर आप सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो जो भी नीचे कषाय होती हैं, जैसे अनंतानुबंधी कषाय, तो उसके साथ में अप्रत्याख्यान का भी उदय है, प्रत्याख्यान का भी उदय है, है ना। तो ये भी सिद्धांत इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कुछ सुनने वाले लोग सहज जागृत होकर के भी सुनते हैं, तो वो कहेंगे कि क्या प्रत्याख्यान कषाय का उदय पहले गुण स्थान में नहीं है? तो पहले गुण स्थान में भी होता है, लेकिन वहां पर मुख्यता किसकी है? अनंतानुबंधी की। तो फल अनंतानुबंधी देगी, उदय में सब कषाय आती हैं, ये भी जानना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था प्रश्न आपका बड़ा सिंपल सा होता है, लेकिन उत्तर देने में वास्तव में आपने सही कहा, कष्ट के जिए तो कष्ट होता है, है ना। ठीक है। योगेंद्र ग्वालियर से, नमोस्तु महाराज जी, प्रमाद के 37,500 भेद में भी कथा के 25 भेद बताए थे, ये भेद कौन से हैं? फिर वही बात, जो ज्यादा भेद प्रभेद की बाधा होती हैं, जिन्हें हम शास्त्रों से देख सकते हैं, उन प्रश्नों को हम शास्त्रों से पढ़ करके ही समझ सकते हैं। और ये भेद आपको जीव कांड में शुरू में ही, जहाँ प्रमाद का वर्णन आता है, छठवें गुणस्थान का वर्णन आता है, वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहीं से देखना, थोड़ी मेहनत आप भी करो, सब मेहनत हम ही से करवाओगे, है ना। हाँ, तो जीव कांड में जहाँ प्रमत्त गुणस्थान का वर्णन है, वहाँ पर इन भेदों का अच्छे ढंग से खूब वर्णन किया गया है, उसके वीडियो भी होंगे, वो भी अलग से सुन लेना। सुनीता जैन गाजियाबाद से, रमोथु गुरुवर, गुरुवर आचार्य श्री धरसेन जी ने आषाढ़ शुक्ल 11 को शिक्षा पूर्ण कर दोनों शिष्यों को भेज दिया था एक चातुर्मास के बाद, जो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी आई उसको षटखंडागम ग्रंथराज पूर्ण होकर पूजा हुई, तो ग्रंथराज कितने समय में पूर्ण हुआ? ऐसा गणित मत लगाओ, उसमें केवल महीने दिए गए, साल तो नहीं दिए गए ना, कि ऐसा नहीं है कि अषाढ़ के बाद अगली साल बहुत जल्दी उन्होंने अगली वाली जेठ में ही भेज दिया कि अगली वाली जेठ में भेजा, ये तो कोई सन का तो पता नहीं है ना, ये तो केवल महीना बताया गया। तो आप उसको इस तरह के गणित से ना जोड़ें, उन्होंने चतुर्मास किया अंकलेश्वर में, उसके बाद में वह कहीं दक्षिण की ओर चले गए, एक तमिल की ओर चले गए, तो ऐसा करने में उन्हें कितना समय लगा, क्या लगा, कितने मतलब कौन सी साल में फिर उन्हें अगले बार जब उसके बाद जो जेठ आई उसमें हुआ कि उसी जेठ में हुआ, ये सब एकदम से नहीं कहा जा सकता, इसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तो आप इसको केवल महीना ही समझें कि ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में श्रुत पंचमी की पूजा हुई, अब वो कौन सी सन में हुई, ये सन आपको वह धवला ग्रंथ की, वो जो षटखंडा ग्रंथ की षटखंडागम ग्रंथ है उसकी पूर्णता का कोई भी सन उपलब्ध नहीं होता है। धवला जो टीका है उसकी पूर्णता के जो सन वगैरह हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस तरह से उसका महीना तो पता होता है, लेकिन उसकी साल का कोई पता नहीं होने से आप उसको एक साथ मत जोड़ें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा समझना। सुनील चोपड़ा जयपुर से, निगोद से सीधे मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है क्या? हाँ हाँ, ये पहले भी बताया गया है, निगोद जीव भी सीधे मनुष्य भी बन सकते हैं, बन जाते हैं, है ना। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों के विषय में दो तरह के मत हैं, एक में तो वह गिजाई बन करके आए हैं और एक में डायरेक्ट भी आए हैं, तो इस तरह से दोनों तरह से जाना जाता है। तो निगोद से मनुष्य आयु का बंद करने में सिद्धांततः भी कोई बाधा नहीं आती है। अनुभा जैन भरत से, नमोस्तु गुरुदेव, व्यापक व्यापक संबंध किसे कहते हैं, कृपया समाधान कीजिए। व्याप्य व्यापक संबंध किसे कहते हैं, है ना। व्याप्य व्यापक का मतलब ये होता है कि जो बहुत जगह में रहने वाला हो वो व्यापक कहलाता है, और जो उसमें कम स्थान घेरने वाला हो वो व्याप्य कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसे व्यापक व्याप्य व्यापक संबंध कहते हैं। तो इसको समझने के लिए कि जैसे मान लो आपको आम का वृक्ष देखना है, तो आम का वृक्ष इस वन में है, क्या बोला, आम का वृक्ष इस वन में है, तो वन में हम गए तो वन हो गया व्यापक। उस वन में अनेक तरह के वृक्ष होंगे, नीम के भी होंगे, शीशम के भी होंगे, आम के भी होंगे, लेकिन आम का वृक्ष हमें कहाँ मिलेगा, तो वह उस वन में मिला। तो उस वन में जो आम का और उस वन का जो संबंध बना, आम के वृक्ष का और वन का, ये कहलाएगा व्याप्य व्यापक संबंध,
यानी उस आम्र के वन को प्राप्त करने के लिए आपको इस वन में आना है, तब आपको यहाँ पर आम का वन मिलेगा और वृक्ष मिलेगा। इस संबंध का नाम ही व्याप्य व्यापक संबंध कहलाता है। ब्रह्मचारिणी स्वाति जैन हैदराबाद से, क्या मृत्यु के बाद हम जो भी शास्त्र का ज्ञान लेते हैं क्या वह हमारे साथ आगे तक बढ़ता है? क्या हमने जो तत्वा सूत्र का ज्ञान किया वह हमारे साथ मृत्यु तक हो जाएगी तब भी रहेगा कि नहीं? मृत्यु के उपरांत की बात कही जा रही है कि मृत्यु तक की बात कही जा रही है? मृत्यु के उपरांत है ना। देखो ऐसा है, शास्त्र का ज्ञान अपने लिए अगर श्रद्धा से विनय से अर्जित किया गया है तो वह अगले जन्म में भी हमारे साथ में रहता है। रहने से तात्पर्य उसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई चीज़, मान लो आपने अगले जन्म में फिर से तत्वार सूत्र पढ़ा, तो वह तत्वार सूत्र जब आपका पहले का पढ़ा हुआ है तो आपको इस जन्म में वो बहुत जल्दी पढ़ने में आ जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये किस कारण से हुआ? ये पिछले जन्म के उस ज्ञान के कारण से हुआ, तो वो आपको पता नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जन्म लेते ही है ना और अभी एक साल के हुए नहीं और सीधा शुरू हो जाओ तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसका नाम ही पिछले जन्म का ज्ञान कहलाता हो, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान हमेशा ऐसे ही काम करता है, जैसे ही हमारी उम्र विकसित हुई, हम उसके योग्य हुए, हमारे सामने वो ऑब्जेक्ट आया, तो बहुत जल्दी हमारी जो पुरानी स्मृति है, हमारा संस्कार है, वो उसके साथ काम करने लग जाता है और हम जल्दी उस चीज़ को लर्न कर पाएंगे और उसको हम जल्दी से अपने लिए समझ भी पाएंगे। तो इस तरह से ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है इसी का नाम कहलाता है पूर्व भव का ज्ञान, इसको इसी रूप में समझना चाहिए। शोभा जैन सारंगपुर से, जो इंद्राणी या तीर्थंकर की माँ होती हैं उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले स्त्री पर्याय का छेदन करना पड़ेगा क्या? तो इसमें शंका क्यों उत्पन्न हो रही है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि मोक्ष प्राप्ति का जो सिद्धांत है वह पुरुष पर्याय के साथ ही है, और जब भी कभी मोक्ष होता है तो पुरुष पर्याय के साथ ही होता है। इसलिए जो कोई भी स्त्रियां अपने पुण्य के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, अपने किसी भी तरह के भाग्य को सराहती हैं, वह बहुत जल्दी स्त्री पर्याय को छेद करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करके ही मोक्ष जाती हैं, बिना उसके कहाँ मोक्ष होता है। तो इसलिए इस बात में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथि राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।